29 फरवरी ऐसी तारीख है जो चार सालों में एक बार आती है, यानी ये दिन खास है। अब इसी दिन पीएम मोदी ने एक बटन दबाकर दो देशों को डुबो दिया है। ये वीडियो मालदीव और चीन के मंसूबों को हमारी श्रद्धांजलि है। मालदीव और चीन ने भारत के खिलाफ जो प्लान बनाया था उसे पीएम मोदी ने एक बटन दबाकर डिलीट कर दिया है। भारत को एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत मिली है। भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित आगेलेगा द्वीप पर एक नई एयर स्ट्रिप और एक जेटी बनाई है। भारत ने आगेलेगा में 3000 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई है, जहां बड़े कॉमर्शियल विमानों के साथ साथ लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने आगेलेगा द्वीप से समंदर के काफी अंदर तक जाने वाली जेटी भी बनाई है। आपको बता दें कि जेटी समुद्र तट पर बना वो स्थान है जहां जहाज आराम से लंगर डालकर खड़े हो सकते हैं और उन पर माल लादा और उतारा जा सकता है। भारत अब आगेलेगा द्वीप पर अपने विमानों को उतार सकता है, अपने जंगी जहाजों को जेटी पर खड़ा कर सकता है। पीएम मोदी ने अब इसी एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन बटन दबाकर किया है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि ये आगेलेगा द्वीप कहाँ है और भारत के लिए ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल 25 किलोमीटर लंबा आगेलेगा द्वीप मॉरिशियस का हिस्सा है। हालांकि आगेलेगा द्वीप की दूरी मॉरिशियस से 1000 किलोमीटर है, लेकिन मॉरिशियस ने अपने आगेलेगा द्वीप पर भारत को लाकर बैठा दिया है। भारत आगेलेगा द्वीप से नौसेना के PA-2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत ऑपरेट कर सकता है। कई रक्षा विशेषज्ञ तो अब इसे भारत का नौसैनिक अड्डा भी बोल रहे हैं। आगेलेगा द्वीप अफ्रीका के जिबूती से बेहद नजदीक है। आपको बता दें कि जिबूती में चीन का नौसैनिक अड्डा है, मगर आगेलेगा द्वीप पहुंचकर अब भारत चीन की छाती पर अपने जहाज खड़े करेगा। आगेलेगा द्वीप के आसपास समुद्री डाकुओं का भी आतंक काफी ज्यादा है। अब भारत इन समुद्री डाकुओं का भी इलाज करेगा। ये समुद्री डाकू दुनिया भर के कई देशों के जहाजों पर हमले करते हैं, लेकिन भारत इन सभी जहाजों को समुद्री डाकुओं से बचाएगा। चीन अफ्रीका के जिबूती से लेकर मालदीव तक भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था, लेकिन भारत इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बीच में आकर बैठ गया है।